बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH फिज़िक्स एकेडमी। मैं हूं खालिद महमूद। सब्जेक्ट है हमारा फिज़िक्स, क्लास है 10th। हम इसके रिव्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 13 का रिव्यू क्वेश्चन नंबर 13.9 करना है। यूनिट नंबर 13 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्वेश्चन नंबर 13.9 है, व्हाट इज़ मीन्ड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है, ये हमने बताना है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या मुराद है और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से क्या मुराद है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ रीजन अराउंड अ चार्ज। किसी चार्ज के गिर्द रीजन होता है, इन विच इट एग्जर्ट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अनदर चार्ज। जिस रीजन में वो चार्ज किसी दूसरे चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट करता है। यानी एक चार्ज है हमारे पास और उसके इर्द गिर्द एक रीजन होगा। जिस रीजन के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाएगा तो वो चार्ज उस दूसरे चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो जिस रीजन में, जिस एरिया में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एग्जर्ट करता है किसी दूसरे चार्ज पे, वो रीजन जो है वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। द रीजन ऑफ स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज क्यू, यानी स्पेस जो होगी किसी चार्ज को जिसने सराउंड किया हुआ है, इन विच इट एग्जर्ट्स अ फोर्स। जिस रीजन में, जिस स्पेस में वो चार्ज जो है वो फोर्स अप्लाई करता है ऑन एन अदर चार्ज क्यू नॉट, किसी दूसरे चार्ज क्यू नॉट पे, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज क्यू। हम कहते हैं ये चार्ज क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक्सप्लेनेशन इसकी करते हैं अब। अकॉर्डिंग टू कोलम्स लॉ, इफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट, इसको आप टेस्ट चार्ज कह लें, इज ब्रॉट नियर अ चार्ज क्यू, इसको आप फील्ड चार्ज कह लें, यानी जिसके फील्ड के बारे में हम बात करेंगे, प्लेस्ड इन स्पेस, यानी चार्ज क्यू जो है उसको हमने एक जगह पे प्लेस किया हुआ है और उसके करीब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नाट लेके आते हैं। द चार्ज क्यू नाट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, तो उस चार्ज क्यू नाट के ऊपर क्या होगा, एक फोर्स लगेगी। द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, और कूलम्स लॉ ये कहता है कि उन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होगी वो उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसलिए क्यू चार्ज जो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, वो फोर्स उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगी। इफ़ द चार्ज क्यू नॉट इज़ मूव्ड अवे फ्रॉम चार्ज क्यू, अगर हम क्यू नॉट को क्यू से परे ले जाएंगे, दूर हटा देंगे, यानी उनके दरमियान डिस्टेंस को बढ़ा देंगे, दिस फोर्स वुड डिक्रीज, तो ये फोर्स जो है वो कम हो जाएगी। और अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते चले जाएं दोनों के दरमियान तो वो फोर्स कम होती चली जाएगी। टिल एट अ लार्ज डिस्टेंस द फोर्स वुड बी प्रैक्टिकली रिड्यूस टू ज़ीरो, कि अगर हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे ले जाएंगे तो एक डिस्टेंस ऐसा आ जाएगा कि जब क्यू नॉट के ऊपर फोर्स जो लग रही थी क्यू की वजह से वो ज़ीरो हो जाएगी। द चार्ज क्यू नॉट इज़ देन आउट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज क्यू, तो हम कहेंगे अब ये चार्ज क्यू नॉट जो है ये क्यू के इन्फ्लुएंस से बाहर चला गया। तो जिस रीजन में चार्ज क्यू नॉट जो है वो क्यू के इन्फ्लुएंस में रहता है, वो रीजन जो है वो क्यू का फील्ड कहलाती है, चार्ज क्यू का फील्ड कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं उसको। और जब वो क्यू नॉट चार्ज जो है वो उस रीजन से बाहर चला जाता है तो हम कहते हैं कि ये उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो अब यहाँ पर ख़त्म हो गया है। सो द, अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। सो द रीजन ऑफ स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज क्यू इन विच इट एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑन द अदर चार्ज क्यू नॉट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज क्यू। तो ये अब फाइनल डेफिनेशन होगी उसकी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। सो द रीजन ऑफ स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज क्यू, यानी क्यू को सराउंड करने वाली वो रीजन, इन विच इट एग्जर्ट्स अ फोर्स, जिसमें वो फोर्स लगाता है ऑन द अदर चार्ज क्यू नॉट, दूसरे चार्ज क्यू नॉट पे, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज क्यू। हम कहते हैं ये चार्ज क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड है।
फिगर में इसको दिखाया गया है कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, ये फील्ड चार्ज है, इसके इर्द गिर्द एक रीजन होगी, उस रीजन के अंदर ये एक क्यू नाट चार्ज पड़ा हुआ है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों चार्ज सिमिलर हैं इसलिए फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो इस डायरेक्शन में जब फोर्स लगेगी तो ये हमारे पास जो चार्ज है ये टेस्ट चार्ज कहलाएगा, और इन दोनों के दरमियान ये डिस्टेंस आर है, और ये फोर्स जो है ये डिस्टेंस आर के ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे जैसे हम इस आर को बढ़ाते चले जाएंगे, इस क्यू नॉट को दूर ले जाएंगे, तो ये फोर्स जो है ये भी कम होती चली जाएगी, और एक जगह ऐसी आ जाएगी जब इस क्यू नॉट के ऊपर जो इस चार्ज की वजह से फोर्स लग रही थी फील्ड चार्ज की वजह से, वो ज़ीरो हो जाएगी। तो हम कहेंगे अब यहाँ पे इस चार्ज का फील्ड जो है वो ख़त्म हो गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ज़ीरो हो गया वहाँ पर जाके। तो इसके इर्द गिर्द वो रीजन जो होगी जिसमें ये चार्ज जो है ये इसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, हम उस रीजन को कहते हैं कि वो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से ज़ाहिर करते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कि किसी भी जगह पे स्पेस में किसी पॉइंट पे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, यानी वो कितना स्ट्रांग है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, और इसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन द फील्ड, कि अगर हमने किसी फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी हो तो क्या करते हैं, ऑफ चार्ज क्यू नाट, यानी क्यू नाट चार्ज का वो फील्ड है, वी प्लेस अ टेस्ट चार्ज क्यू नाट, तो हम एक टेस्ट चार्ज प्लेस कर देते हैं जिसको हम क्यू नाट कह लें एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी है, यानी प्लस क्यू चार्ज का वो फील्ड है, और इस फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना चाहते हैं, तो जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना चाहते हैं वहाँ पे हम एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे क्यू नाट, जिसको हम टेस्ट चार्ज कहेंगे। इफ़ एफ इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज क्यू नाट, फ़र्ज़ कर लें कि उस पॉइंट पे क्यू नाट के ऊपर जो फोर्स लग रही है क्यू की वजह से, वो फोर्स है वो एफ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वुड बी गिवन बाई, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी उस जगह पे जो स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की यानी ई, वो कैसे हासिल होगी, ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नाट करेंगे, यानी फोर्स ओवर चार्ज कितना हमने रखा है टेस्ट के लिए, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज ये कहलाएगा। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज किसी भी पॉइंट पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है, तो ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नाट, ये फॉर्मूला बनेगा इसका, इसको इक्वेशन नंबर वन कह लेते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज, तो इस फॉर्मूला से जब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करेंगे तो क्या बनेगी, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, कि किसी पॉइंट के ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर दिया जाए तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ गिवन अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस इज नोन एट सम पॉइंट, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम हो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम हो, द फोर्स ऑन द पार्टिकल विद चार्ज क्यू प्लेस्ड एट दैट पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला, यानी अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम है यानी ई की वैल्यू मालूम है, तो किसी पॉइंट चार्ज किसी चार्ज के ऊपर जो कि क्यू है उसके ऊपर उस पॉइंट पे कितनी फोर्स लगेगी, ये फोर्स हम इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी एफ इज इक्वल टू क्यू ई, हमारे पास फार्मूला था ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नाट, तो अगर हम एफ निकालना चाहते हैं तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई बनेगा, यानी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास उस जगह पे फोर्स जो लग रही होगी उस चार्ज के ऊपर वो फोर्स मालूम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है,
क्यों? इसलिए कि फोर्स लगती है, फोर्स की एक डायरेक्शन होती है, तो फोर्स की स्ट्रेंथ हमने मालूम करनी होती है कितनी है किसी पॉइंट के ऊपर, तो इसलिए ई जो है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन बनेगी बाकायदा से। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कोलम, तो इसका यूनिट जो है न्यूटन पर कोलम बनेगा। क्यों? इसलिए कि ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू होता है, तो एफ का यूनिट न्यूटन होगा, क्यू का यूनिट कोलम होता है, तो न्यूटन पर कोलम बन जाएगा। तो इसलिए हमारे पास यूनिट जो बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो न्यूटन पर कोलम बनेगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन, हमने इसको देख लिया, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। खुद भी वीडियो को देखें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि KMCH फिजिक्स अकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। अगर कोई वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर लिया करें। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।